दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव गुफा अद्भुत, अतुल्य, अलौकिक एवं काफी रहस्यमयी गुफा है। पोखरा आने वाले अधिकांश पर्यटक गुप्तेश्वर महादेव गुफा विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलते। तो आ गए महादेव केव के अंदर, अब जाते हैं गुफा के अंदर, देखते हैं कैसा है क्या है। वीडियो तो बहुत सारा देखा है मैंने, बस अब गुफा को खुद की आंखों से एक्सप्लोर करना है और एंजॉय करना है। गुफा में प्रवेश के लिए विदेशी पर्यटक के लिए नेपाली 100 रुपये का टिकट लेना अनिवार्य है। गुफा में प्रवेश करने के लिए इस घुमावदार सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरना होता है। ये घुमावदार सीढ़ी देखने में बहुत ही आकर्षक और मनोरम लगता है। जैसे जैसे हम लोग सीढ़ियाँ उतर के गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमें हिंदू देवी देवताओं की उत्कृष्ट एवं अद्भुत मूर्तियाँ देखने को मिल रही थी। इस खूबसूरत सी कलाकृति को देखने के बाद हमारी उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। हमारा मन भक्ति के भाव से विभोर हुए जा रहा था। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो फिर सब कुछ आपको ईश्वर पे ही छोड़ देनी चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा। मन में यही भाव और विश्वास लिए हम धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। गुफा में प्रवेश करते ही काउंसिल एंट्रेंस लिखा हुआ एक साइनबोर्ड दिखता है। एक्चुअल में ये गुफा के अंदर ही छोटा सा घुमावदार टनल है, जो कि आपको एक तरह का डाइवर्शन, जैसे किसी रूट में कोई डाइवर्शन पड़ता है, उसी तरह ये डाइवर्शन ही है एक्स्ट्रा रोमांच के लिए। शेड के अंदर जाना वाकई रोमांचकारी था, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे वैसे वैसे हमारा एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ रहा था। अंदर के जो रास्ते थे वो काफी घुमावदार थे, बहुत जगह आपको झुक के चलना होता है। और सबसे खास बात यह कि अंदर जाते लगा जैसे कुछ पानी की बूंदें ऊपर से टप टप करके नीचे गिर रही है। जब छत पे देखा तो पूरी की पूरी छत पानी की बूंदों से भरी भरी थी और वो पानी हमारे ऊपर टप टप छू रहा था। तो ये एक अलग ही एहसास हो रहा था। काउ शेड के अंदर आपको काउ की स्टैचू मिल जाएगी और अंदर की जो लाइटिंग है वो लगभग ठीक ठाक ही है, कहीं ज़्यादा अंधेरा नहीं है। तो इतनी लाइट है कि मतलब आराम से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। काउ शेड की एंट्री और एग्जिट ऐसा है मानो जैसे आजू बाजू में कोई दो रूम है, एक रूम में इन करो, अंदर पूरा घूमो और बाजू वाले रूम के गेट से बाहर निकल जाओ, बस वैसा ही फीलिंग यहाँ पे है। हम लोग अब फिर से वापस उसी ओल्ड ट्रैक पे आ गए थे जो हमें गुप्तेश्वर महादेव के पास लेके जाएगी। अब हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी सावधानी पूर्वक नीचे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि जो सीढ़ी है पूरा पानी से भींगा हुआ है। पानी की बूंदें टप टप चू रही है हर जगह, पूरे गुफा में आपको ये देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी, इस सीढ़ी को उतरते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिसलन काफ़ी है सीढ़ी पे और पूरी की पूरी सीढ़ी पानी से भींगी हुई है। तो काफ़ी सतर्कता पूर्वक ही नीचे उतरना होगा। तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है।
फ्रेंड्स लगभग 150-200 फीट नीचे आने पे फाइनली हम लोग गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच गए। जो आप सामने देख रहे हो यही गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर, तो यहीं से दर्शन कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लोजअप शॉट मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज कैमरा इज नॉट अलाउड। तो यहीं से प्रभु को प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का दो पार्ट है, एक पार्ट है गुप्तेश्वर मंदिर तक, दूसरा है उससे आगे का पार्ट। बरसात के टाइम में जनरली ये पार्ट बंद ही रहता है क्योंकि पानी का फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है वाटरफॉल में, तो पानी काफ़ी ऊपर तक चला आता है, तो इस पार्ट को बंद ही रखते हैं। अभी ये पार्ट खुला हुआ है तो हम लोग दर्शन करने के बाद आगे की तरफ बढ़ गए हैं और काफ़ी सावधानीपूर्वक धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 400-500 फीट और नीचे जाएंगे तब जाके हम लोग एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे इस केव के। वहां पे हमें डेविस फॉल देखने को मिलेगा। डेविस फॉल को पाताल में बहते हुए देखना अपने आप में एक नया और हर्षोल्लासित करने वाला अनुभव होगा। ऑसम, बहुत बढ़िया। ये देखो बर्फ है ना? नहीं बर्फ नहीं, बर्फ है, बर्फ नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोग इस केव के एंड पॉइंट पे आ गए हैं और ये जो आप पानी की बूंदें देख रहे हो ये आइस मेल्ट हो रहा है, मतलब ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे दीवार में काफ़ी आइस देखने को मिल रहा है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा ये आइस है और ये मेल्ट हो रहा है। आगे फ्रेंड्स नोटिस करने वाली बात यह है कि हम लोग ज़मीन से लगभग 500-600 फीट नीचे आ चुके हैं लेकिन कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत ही आराम से बहुत ही ईजी वे में आ गए। आज क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कोई सफोकेशन वगैरह फील नहीं हुआ। लाइटिंग वगैरह पूरी प्रॉपर है यहाँ पे। अगर हम केव मैनेजमेंट की बात करें तो काफ़ी शानदार मैनेजमेंट कर रखा है इन लोगों ने, ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से आ सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आ सकते हैं। अलौकिक शक्तियों का एकदम जीवंत उदाहरण पाताल में बहता हुआ ये डेविस फॉल मानो मानव जाति से कह रहा हो कि आप कितनी भी तरक्की कर लो, कितना भी साइंस को डेवलप कर लो, लेकिन प्रकृति से आगे आप नहीं जा सकते। दोस्तों रामायण और महाभारत में हम लोगों ने पाताल लोक के बारे में सुन रखा है कि धरती के नीचे पाताल लोक होता है, तो आज लग रहा है कि जैसे मैं पाताल लोक में ही आ गया हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा, एकदम अलग दुनिया, अपनी धरती से बिल्कुल अलग। Thank you.
काफ़ी बढ़िया जगह ही है, पूरा बर्फ ही, पीछे जो आप देख रहे हो पूरा बर्फ है। और यहाँ से जो व्यू बन रहा है, वाओ क्या बताओ, ये जो देख रहा है पूरा बर्फ मेल्ट होकर गिर रहा है, एक व्यू देख लो आप यहाँ से। दोस्तों, धरती लोक से पाताल लोक में आना, घूमना और महादेव के दर्शन करना वाकई एक सुखद और आश्चर्यकारी अनुभव रहा मेरे लिए। एक अच्छी स्मृति के साथ मैं लौटूंगा यहाँ से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।